मैडम बच्चे का एडमिशन कराना है। अभी छुट्टी हो गई है, कल आना। पर मैडम आप तो हो ना स्कूल में, आप करो एडमिशन। आउटर कर दिया। अरे तुम्हारी समझ में नहीं आती क्या, एक तो छुट्टी हो गई है और ऊपर से ये कोई वक्त है एडमिशन कराने का? एडमिशन की डेट 2 महीने पहले निकल चुकी है। सोसो की याद आ रही है तुम्हें एडमिशन कराने के लिए? मैडम देख लो अगर कुछ हो सकता हो तो। देखो हमारे स्कूल में प्रिंसिपल की सीट खाली है और वाइस प्रिंसिपल सर देख रहे हैं अभी, और अभी वो है नहीं। जब वो एक बार आ जाएंगे तो उनसे बात कर लेना, और अभी मेरा दिमाग मत खाओ। देखो वाइस प्रिंसिपल सर भी आ गए, जाओ उनका दिमाग खाओ जाके। अरे सुनीता, कैंडी क्रश की कौन सी स्टेज पार कर ली, कितनी होगी तेरी? अरे सर 300 स्टेज पे पहुंची हूँ अभी तो। 300? अरे जब मैं अभी गया था स्कूल तक जब तो 290 थी, इतनी जल्दी 300 कर दी? अरे हालांकि तू मैथ टीचर है लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू 4-5 घंटे में 10 स्टेज पार कर देगी भाई। अरे सर आज मैंने दोनों पीरियड मिस कर दिया, आज मैंने कोई क्लास नहीं ली है, आज मैंने सिर्फ कैंडी क्रश खेला है। आपको हराना भी तो है, आप तो 1000वीं स्टेज खेल रहे हो। सही है, मुझे लग रहा है तू ना कैंडी क्रश में मुझे हराने वाली है भाई। अरे सर आपको बातों बातों में बताना ये भूल गई, ये मैडम आई है एडमिशन कराने के लिए अपने बच्चे का, एक तो 2 महीने लेट आई है, अब आप ही देखो इसे। हाँ मैडम हमें बताओ जी क्या बात है, हम देखेंगे। सर बच्चे का एडमिशन कराना है। बच्चे का एडमिशन कराना? मैडम आप एक बात बताओ, ऐसा थोड़ी होता है कि जब आप खुली जबी सवेरा, अरे पूरे 2 महीने हो गए लास्ट डेट कर निकले हुए एडमिशन की, अब कहाँ से एडमिशन होगा भाई? पर सर ऐसे तो बच्चे का साल खराब हो जाएगा ना। ये तो है। सुनीता जी। सर भाई बच्चे का साल खराब हो जाएगा वो तो हम नहीं होने देंगे, देख हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, तो एक काम कर इस बच्चे की ना फीस की स्लिप काट दे, फिर मैं अपना आप देख लूंगा। काट काट। अब तो खुश हो मैडम? ये लो। 6000 रुपए? पर सरकारी स्कूल की फीस तो 600 रुपए है ना। अरे मैडम मुझे पता है सरकारी स्कूल की फीस 600 रुपए है, लेकिन हमारे स्कूल में प्रिंसिपल का पद खाली है, प्रिंसिपल की जगह ये वाइस प्रिंसिपल काम कर रहा है, दो दो जगह काम करता हूँ। अगर 600 के मैंने 6000 बना दिए तो क्या ही दिक्कत है? है हमारी कोई मेहनत मेहनत नहीं दिखती तुम लोगों को? पर ये तो गलत है ना। अरे मैडम गलत तो ये भी, आप 2 महीने बाद इस बच्चे को लेकर आ रहे हो और हमसे एडमिशन करा रहे हो, ये गलत ना। आप ना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, दिमाग चलाने के लिए हमने मैथ टीचर को रखा हुआ है, वो दिमाग चलाएंगी। अरे मैडम अगर मैं अपनी पे आ जाऊँ ना तो आप इस बच्चे का एडमिशन ना इस सरकारी स्कूल में क्या शहर के किसी भी सरकारी स्कूल में नहीं करवा सकते, ठीक है ना? मतलब किस बात की ऐंठ दिखा रहे हो, औकात क्या तुम्हारी मेरे सामने? अरे है कौन तू ये बता पहले मुझे, है कौन तू? है सर ये हमारे स्कूल की नई प्रिंसिपल है रानी चहल। सुनीता जी तो आप ये सब करते हो स्कूल में? क्लास में पीरियड लेने के नाम पर आप गेम खेलती हो? आप गेम नहीं बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही हो, और तुम स्कूल में एडमिशन के नाम पर घूस लेते हो? ये सरकारी स्कूल है, तुम्हारे बाप का स्कूल नहीं है ये। सॉरी मैम गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। कल नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाओगी तुम कि कोई भी टीचर क्लास में फोन यूज नहीं करेगा। अगर इस स्कूल में काम करना है ना तो अपना काम ईमानदारी से करना पड़ेगा, वरना तुम जा सकते हो यहाँ से। आई बात समझ में? जब किसी स्कूल में प्रिंसिपल नहीं होता ना तो वाइस प्रिंसिपल का काम होता है कि स्कूल में डिसिप्लिन बना के रखे, पर डिसिप्लिन बनाने वाला ही बिगाड़ने लगे तो कैसे चलेगा? अरे तुम जैसे चंद लापरवाह टीचर की वजह से ना सरकारी स्कूल का नाम बदनाम है। सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं जिनका भविष्य हमारे हाथों में होता है, उनका भविष्य मत बिगाड़ो, उनका भविष्य बनाओ। प्रिंसिपल मैम हो सके तो मुझे माफ कर देना, आगे से मैं अपना काम ईमानदारी से और पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगा, आपको कोई शिकायत का मौका ना मिलेगा।